नमस्कार, 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ अब होगी। हर वार्ड की पड़ताल और पड़ताल के लिए आज हमारे साथ वार्ड नंबर 74 से आजाद उम्मीदवार जीते हुए पार्षद हैं शोभत अली। शोभत अली से आज बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले देखें जब हम वार्ड नंबर 74 में गए तो लोगों का क्या कहना था। नंबर वार्ड और गली का इन्ना बुरा हाल है ना, निकलना मुश्किल हो जाना। इन्ना ना पानी खड़ा हो जाता जिसलै बारिश आती है, नहीं नालियां नहीं सड़क। वार्ड नंबर 74 और देखो साड़ी नालियां की हालत, नालियां रोड इन्नी गंदी है, अस इत्थों लंघ नहीं सकते। बुरी हालत, लाइटें भी नहीं काम करी, कोई है ही नहीं हमारे लाइट। की थी बोला था वो मिल जाएगी तो अभी तक आई नहीं। और समस्या यही है कि हमें ना तो इस समय बिल्कुल स्ट्रीट लाइट कोई नहीं है, गली कोई नहीं बनी हुई। हमने हरी को मिल चुके हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे नहीं मिले, लेकिन हमारा कोई काम सिरे नहीं चढ़ा अभी तक। वार्ड नंबर 74 से आजाद उम्मीदवार जीते हुए शोभत अली इस समय हमारे साथ हैं। शोभत साहब, एक साल हो गया पार्षद की गद्दी पर बैठे हुए, जनता को रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आई है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने बीते इस एक साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं आपने वार्ड नंबर 74 में। शुक्रिया, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्ली पोस्ट का, जिन्होंने ये महसूस किया हमें पूछने का, हमें बुलाने का, इसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने पहले ही अच्छा सवाल किया है कि एक साल बीत गया है, एक साल में क्या क्या किया है। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊँगा, जो ये 74 वार्ड है ये न्यूली क्रिएटेड वार्ड है। चार जो इन्होंने नई वार्डें क्रिएट की थी, जिसमें 72, 73, 74 और 75 है, चार वार्डें न्यूली क्रिएटेड हैं। और जो सबसे अगर वार्ड बड़ी वार्ड जो है ये 74 वार्ड है। आप भी मुहैना कर सकते हैं, हमने भी किया है, म्यूनसिपल्टी ने खुद जाकर मुहैना किया। 13.5 किलोमीटर एरिए की में ये वार्ड है। इस सैनी कलोनी सेक्टर डी एक्सटेंशन हेरिटेज से शुरू होती है, सैनी कलोनी, चौहदी, सुजमा, बठिंडी, हाजी कलोनी, गुजर कलोनी, बठिंडी, फरदोसाबाद, जलालाबाद होते हुए ये मक्का मस्जिद तक एरिया है। अगर इसकी एरिया 13.5 किलोमीटर इसकी वो लेंथ ब्रेथ जो भी पमाइश करके इतना एरिया बनता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों ने बोट कम बनाए हैं इस एरिया में, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही ज़्यादा एरिया है ये वार्ड में। सुबह साहब, हम आपके वार्ड में गए थे, लोगों से बातचीत की है और लोगों के सवाल हैं कुछ। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो हमारे सवाल नहीं है, आप ही के वार्ड में से आप ही के लोगों के सवाल हैं, जनता के सवाल हैं। सवाल ये है कि आपने खुद से कहला कि वार्ड बहुत बड़ी है, लगभग 13.5 किलोमीटर आपने कहा कि उसमें वार्ड फैला हुआ है। लोगों की शिकायत है कि सफाई सही तरीके से नहीं होती, क्या सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में आपके पास हैं या फिर नहीं? नहीं, हम उनकी बात से एग्री करते हैं, क्योंकि सफाई कैसे हो पाएगी अगर जरूरत 100 आदमी की सफाई कर्मचारी की है। इतनी बड़ी बात है, हमने डिमांड की थी कि 100 आदमी हमें सफाई कर्मचारी चाहिए एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो हमें बदकिस्मती से कह सकते हैं कि वो मुहैया नहीं हो पाए हैं। 25 आदमी इस वार्ड को मिले हैं, तो 25 पूरे भी नहीं आते हैं, 25 कोई लेडी है एक दो, लेकिन चलो 25 वो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, हम उन पे उंगली नहीं उठाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जहां ज़रूरत 100 आदमी की है या 100 से ज़्यादा की है, तो 25 आदमी कितना कर पाएंगे? वो बड़ा मेहनत से, दिल्ली जान से मेहनत करते हैं, हम भी उनके साथ होते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हैं, जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। लोगों की डिमांड नेचुरली होगी। देखिए, ये यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि जब सफाई कर्मचारी ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है,
तो सफाई कैसे की जाएगी? तो कभी आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस बारे में बात नहीं की कि पर्याप्त मात्रा में मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, मुझे सफाई कर्मचारी आप दे दीजिए? बहुत बार रिटर्न में दिए हैं कमीशन साहब से, मेयर साहब से हमारी बड़ी डिस्कस, बड़ी लंबी चौड़ी इस पे बात हुई है कि जो एक्सटेंडेड वार्डें हैं उनको भी बढ़ाइए सफाई कर्मचारी, और जो न्यू वार्डें हैं इसमें तो हर चीज़ डबल होनी चाहिए। हर चीज़ मतलब ऐसे है, अगर किसी को 20 या 25 आदमी मिलते हैं तो इसको 50 होने चाहिए, अगर किसी को 50 मिलती है इसको डबल होने चाहिए, क्योंकि ये भाड़ ही नहीं है। जहाँ 20 साल से सफाई या काम डेवलपमेंट हो रहा रुका है हुआ था तो पीछे रुका 13 साल हुआ से। है, तो वहाँ अगर आप थोड़े आदमी से इतना काम करवाना चाहते हैं तो वो तो इम्पॉसिबल जवाब है। जवाब क्या मिला? जवाब जवाब यही है कि हो जाएगा हो जाएगा, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हुआ क्योंकि नहीं है। देखिए जितने भी इंटरव्यू है कि ज्यादातर आजाद उम्मीदवारों से बात करने में एक अलग फीलिंग सी आती है, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने अपनी राय जो है वो सही रखी होती है, वो पार्टी को नहीं जिताया, आजाद उम्मीदवार को जिताया है, इसलिए उम्मीदें ज्यादा होती हैं। उम्मीदें ज्यादा होती हैं कि हमने आजाद उम्मीदवार को जिताया है तो शायद ये पार्टी की तरह नहीं निकलेगा। सही है, पार्टी कोई भी हो, हर कोई किसी ना किसी पार्टी, पार्टी तो एक मैंडेट देती है कि फलानी पार्टी, सही मैंडेट पब्लिक के पास होता है, जो पब्लिक की ही देती है, बिल्कुल, जनता जनार्दन जनता है। जनार्दन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सही मैंडेट जो है वो पब्लिक के पास है, पब्लिक ने अगर हमें चुना है, चुन के आगे लाया है, तो हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पर हम खड़ा उतरें, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरें, क्योंकि किसी का दिल ना दुखे। काम होना ना होना एक अलग होता है, काम हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। सोबे साहब, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से कि आपने जो जो काम किए हैं अभी तक अपने वार्ड में, कि उससे लोग खुश हैं? क्या आप खुश हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई भी हूँ, जितना काम हमने करवाया है, लेकिन जैसा काम आप करवाना चाहते थे? जैसा हम करवाना चाहते थे वैसा हुआ नहीं है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं कि चलो इससे भी अच्छा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि म्यूनसिपल्टी से हमें सब कुछ मिलेगा, हमने छीन के लाना है, PHE से लाना है, PWD से लाना है, हमने बहुत से डिपार्टमेंट है और हमने उसमें काम किया है। कॉरपोरेशन तो हमें एक सफाई कर्मचारी दे देगी, भाई जाओ अपनी सफाई करवाओ, ये करो, हमने मतलब अपनी, अगर लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो लोगों की हर हर समस्या का हल हमने निकालना है। हमारे वार्ड में बहुत से स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, उनमें स्टाफ की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है, हमने हायर एजुकेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके उनसे डिमांड करनी है कि भैया हमने बहुत, मैं अपने तौर तरीके से जैसे मैं आपने ये सवाल पूछा, कोशिश कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है हम, लेकिन हम एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जनता के लिए, लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छा सोबे काम कर साहब, देंगे। फंड्स की कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है, फंड्स की कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, फंड्स की कमी है। लेकिन क्या कारण है कि जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड्स है, खुद से कहा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने, तो फिर आप लोगों के पास क्यों दिक्कत है? ये तो हमें भी बड़ी दुख से कहना पड़ता है, मेयर साहब ने खुद एडमिट किया कि 45 करोड़ जो 14 फाइनेंस कमीशन का वो हमारे पास पड़ा है, उसमें से 10-10 लाख रुपए एक कारपोरेटर को दिया है, वो भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ एक कारपोरेटर को 10 लाख नहीं दिया, वो एक टेंडर लगाया था, एक ठेकेदार को अलाट हो गया 10 लाख रुपए का इस वार्ड में काम करवाना लेकिन है। वो कहा ऐसा जाता है कि एक एक कॉरपोरेटर को 10 लाख दिया मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत मीडिया वाले भी ये पूछते हैं, वो 10 लाख उन्होंने पर टेंडर टेंडर लगा के हुआ है। दिया, कोई ठेकेदार 5 लाख का काम करवा गया, कोई 4 लाख का, कोई काम अधूरा काम छोड़ के चला गया, तो वो मतलब एक कारपोरेटर के खाते में पड़ गए, इस कारपोरेटर को 10 लाख लिया, चलो 10 लाख ही सही, अगर 45 करोड़ को आप डिवाइड करो, 75 वार्ड हैं, तो मेरे ख्याल में एक कारपोरेटर को 60-60 लाख रुपये आएगा, तो देना चाहिए। मेयर साहब भी अच्छे इंसान हैं, क्या सुनते लगता है हैं, वो बड़े गौर से सुनते क्या हैं, लगता है वो बाकी पैसा कहाँ है? बाकी पैसा तो कारपोरेशन में है, बाकी पैसा तो ये दबा के बैठे हैं, देना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर क्योंकि वार्ड में। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा फिर से वापस चले जाए, इस्तेमाल ही ना हो। नहीं, वो भी बड़ी बड़ी दुख से कहना पड़ता है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर इससे बड़ी नलायकी कौन सी होती है कॉरपोरेशन की, अगर वो पैसा लैप्स हो जाए, वापस चला जाए, जो भी हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पैसा पड़ा है,
पैसे पड़े हैं, लोग आपके पास हैं, जीत के आए हैं। सोबत सर, इससे पहले जब जम्मू म्युनिसिपैलिटी नहीं था तो आपने भी जरूर सुना होगा 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ बहुत बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है और लैप्स हो गया। बहुत बार सुना, बहुत बार सुना। अगर हम लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इसीलिए क्या कि पैसा जो है, जो पैसा पड़ा है कॉरपोरेशन का पैसा अलग पड़ा है, जो रूरल एरिया जो से हैं पंचायत का, वो पैसा इनके पास एक तरह का सरप्लस पड़ा है। जैसे इलेक्शन में डले हैं, इलेक्शन हो जाएगी वो तुरंत वो रिलीज हो जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन चलो एक इंस्टॉलमेंट के तौर पर 45 करोड़ की वो आई है कॉरपोरेशन में, वो भी ये इसमें वो सफल नहीं रहे, कामयाब नहीं रहे मेयर साहब या म्यूनसिपलिटी वाले के इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। वो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, क्योंकि जब पिछली मीटिंग हुई आप शायद थे, जब ये मीटिंग अडजर्न होगी उस मीटिंग का मकसद ये था, जब उन्हीं के बीजेपी का पार्षद ने ये सवाल किया था वहाँ कि सिंपलीफाई कीजिए, अगर पैसा आपके पास आया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि लोग कॉरपोरेटर काम करवाएं, अपनी वार्डों में जाएं। लोग पूछते हैं, लोग खुशी गमी में अगर कोई कॉरपोरेटर मिल जाए तो वहाँ पूछते हैं, या कहीं गली में कोचे में मिल जाए वहाँ पूछते हैं, हमारी गली नहीं बनी, हमारे ये नहीं हुआ। लोगों को, लोग सही है, लोगों के साथ नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, दो को इस बिल्कुल सही है, इसमें तो है नुकसान तो है। जिन लोगों ने हमें जीत के आगे लाया कि भाई ये लोग हमारे काम करेंगे, काम करना चाहते हैं, हमारे जो कॉरपोरेटर हैं या हमारे जो भाई जीत के आए हैं उनमें बड़ा आक्रोश, बड़ा जोश है काम करने का, और अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनके पास जो विल पावर है वो नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पैसा हो, थोड़ा पैसे में वो ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं, नेक्स्ट हमारी 6 तारीख को भी मीटिंग होने वाली है, चलो देर से थे मीटिंग में कुछ हाल निकले। हम ये विल पावर तो है दिल में, लेकिन विल पावर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम बार बार देखिए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम किसी कॉरपोरेशन में किसी भी या किसी पीएचई को या पीडब्ल्यूडी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमने दौड़ की है। अच्छा, हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता की, उन उस पत्रकार वार्ता में भी कहा गया कि जल्द ही अब हर पार्षद को, हर कॉरपोरेटर को 22 लाख रुपया दिया जाएगा। आपको मिला? नहीं, 22 लाख तो नहीं मिला है, लेकिन सुना है कि टेंडर इन्होंने लगाए हैं 10-10 लाख के, जो स्टेज वर्क हैं वो लग गए हैं, अभी टेंडर खुले नहीं हैं, वो कुछ दिनों में शायद खुल जाएंगे, वो काम अभी स्टार्ट नहीं किए, चलो अनाउंसमेंट किए है उसमें लेटर ऑन कुछ ना कुछ हाल। कहीं ऐसा पार्शलिटी तो नहीं होती है कि आज़ाद उम्मीदवार हैं इसको थोड़ा सा कम दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज़्यादा, कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा? नहीं, मैं पार्शलिटी नहीं कहूँगा कि इसमें पार्शलिटी है। ज़्यादा दुख तो उन्हीं लोगों को जो पार्टी के जीत के आए हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो भी बेचारे बराबर हमारे हिस्सेदार हैं, परेशान हैं। इसमें हम पार्शलिटी नहीं कहेंगे कि कोई पार्शलिटी हो रही है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं। चलिए, तो शोभत अली वार्ड नंबर 74 से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से शोभत अली ने कहा है कि टेंडर हो रहे हैं और वो टेंडर जल्द से जल्द हो, और ये लोग जिनको इनके वार्ड के लोगों ने, यानी कि जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया है, ये लोग भी अपने वार्ड में तरक्की कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही 9 बजे देखते रहिए, घंटी बजाओ, अब होगी हर वार्ड की।